नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। थाना सेक्टर 24 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश मोनू के पैरों में गोली लगने से घायल हो। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों के दो साथी फरार। घायल को उपचार हेतु नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार आरोपियों के तलाश में कामबिंग जारी है। बदमाशों के पास से स्कूटी लूट का मोबाइल सहित तमंचा बरामद। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह की माने तो इस बदमाश की पहचान 25,000 के इनामी बदमाश मोनू के रूप में हुई। ये बदमाश थाना फेज 3 और थाना 24 से लूट के मामले में फरार चल रहा है। घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह। सर, नोएडा थाना 24 में एक मुठभेड़ हुई, पूरी घटना क्या है? देखिए, सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में आज स्पाइस मॉल के पास चेकिंग चल रही थी। एक स्कूटी पे 3 लोग आ रहे थे और चूंकि लॉकडाउन में ये बाइक पे या स्कूटी पे केवल एक व्यक्ति चल सकता है, हम लोगों ने रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। ये बाइक वाले भाग गए, हम लोगों ने इनका पीछा किया। जहां हम लोग खड़े हैं इसके पास ये लोग इधर मुड़ गए और अंधेरे में चले गए और इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें एक व्यक्ति यहाँ पर स्कूटी गिरा मिला, वहाँ एक व्यक्ति घायल मिला है और उसके बाद दो यहाँ से फरार हो गए। हम लोगों ने घायल व्यक्ति को तत्काल वहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया है। रास्ते में पूछताछ की गई है, जिसने अपना नाम मोनू बताया है। मोनू ये छिजारसी का रहने वाला है और ये एक नोटेड लुटेरा है। ये स्नैचर है और इसके पास इसके ऊपर कम से कम दर्जनों मुकदमे हैं। सर, किस किस थाने में मुकदमे दर्ज हैं? इसके मुकदमे 24 में है, सेक्टर ये फेज 3 में है और भी इसके बारे में छानबीन की जा रही है। ये दोनों थानों से वांटेड था, फेज 3 से भी और 24 से भी, और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके पोजीशन से अभी एक बाइक और एक तमंचा और एक लूटी हुई मोबाइल बरामद की गई है। बाकी जो दो इसके भागे हुए मित्र हैं, इनके ऊपर हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं और अभी इसको चारों तरफ से हमने सिटी एरिया में इसकी कॉम्बिंग लगा दी है, अभी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए। ये थे एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह, जिन्होंने बताया कि ये बदमाश थाना फेज 3 और थाना 24 से लूट के मामले में फरार चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी बदमाश के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक, लूट किया हुआ मोबाइल सहित तमंचा बरामद किया है।